भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय शिक्षाविद, चिंतक और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। स्वभाव से बेहद सरल व्यक्ति और प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उनकी देश भर में पहचान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जुलाई 1901 में कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। सन 1917 में उन्होंने मैट्रिक पास की और साल 1921 में बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान उन्हें हासिल हुआ। इसके बाद बंगाली विषय से एमए में भी उन्होंने सफलता हासिल की। साल 1924 वो साल था जब उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी कर ली। इस प्रकार अगर देखें तो अल्पायु में विद्या अध्ययन की बड़ी सफलताएं मुखर्जी के हिस्से हैं। विद्या अध्ययन के बाद जल्द ही वो एक ख्याति प्रद शिक्षाविद और लोकप्रिय प्रशासक के रूप में सामने आए। मुखर्जी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी रहे। नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र देने के बाद उनका रुख हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक गुरु गोलवलकर जी से इस वक्त परामर्श करने के बाद श्री मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना करते नजर आए। 1951-52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिसमें से एक खुद डॉक्टर मुखर्जी थे, जिसके बाद उन्होंने संसद के अंदर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर राज्य को अलग दर्जा दिए जाने के घोर विरोधी थे और चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की तरह ही समझा जाए। जम्मू कश्मीर के अलग झंडे, अलग निशान और अलग संविधान का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उनको ये बात नागवार गुजरती थी कि वहाँ का मुख्यमंत्री आखिर प्रधानमंत्री क्यों कहलाता है। उन्होंने देश की संसद में धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की थी। अगस्त 1952 में उन्होंने बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश का ऐलान किया और इसे पूरा करने के लिए वो 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, एक अच्छे प्रशासक और एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 23 जून 1953 को जीवन त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पंचायती टाइम्स उन्हें श्रद्धांजलि देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती टाइम्स।